Very good afternoon, everyone. My name is Shivam Singhania, and I'm your mentor for this particular subject, that is marketing management for your ESIC deputy director position. I hope that you have been preparing well, you have been watching our sessions regularly. And in this particular session, I'm going to discuss yet another five important questions for the subject of marketing management. So marketing management subject ke paanch aur important questions hum discuss karne wale hain, not just the questions and answers, but of course the concepts, and I'm very sure ki ye questions aapko pasand aayenge, and this will help you understand the concepts of marketing in a much better manner. So let's get started. And if you're coming here for the very first time, do subscribe to the channel so that you never miss any important update. आपको लगातार प्रिपरेशन करते रहना है. यू डू नॉट हैव टू वेट फॉर द नोटिफिकेशन. नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है, एंड देन बाद में जब अचानक से नोटिफिकेशन आती है, देन इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ हैसल, एंड आप अपना पूरा सिलेबस कवर भी नहीं कर पाएंगे. सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कीप प्रिपेयरिंग विद अस फॉर दिस पर्टिकुलर पोजीशन, दैट इज ESIC डेप्यूटी डायरेक्टर. इफ यू हैव एनी डाउट्स, अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट्स हैं विच यू वॉन्ट क्लैरिफिकेशन ऑन दैट, यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप. टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया जा चुका है, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं. यू कैन आस्क ऑल योर डाउट्स, यू कैन आस्क ऑल योर क्वेरीज, एंड उस पर लगातार हमारे सेशंस की अपडेट भी आती रहती है, एंड जो फ्री वीडियोस एंड पीडीएफ्स हैं वो भी वहां पे शेयर करते रहते हैं, तो आप उसे जरूर ज्वाइन करें. नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ दीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्री परचेज फेज ऑफ बाइंग. तो जब भी कोई कंज्यूमर मार्केट में प्रोडक्ट परचेज करने जाता है, तो जनरली तीन स्टेजेस होते हैं उसके. द वेरी फर्स्ट वन इज प्री परचेज स्टेज, जब वो परचेज करने से पहले की स्टेज होती है. व्हाट ऑल थिंग्स गोज इनटू हिज माइंड व्हेन बिफोर एक्चुअली परचेजिंग द प्रोडक्ट. द सेकेंड वन इज द परचेज फेज, जब वो प्रोडक्ट परचेज कर रहा है तब उसके दिमाग में कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं. एंड देन फाइनली द थर्ड वन विच इज द पोस्ट परचेज बिहेवियर. ठीक है, एक बार उसने जब प्रोडक्ट परचेज कर लिया, उसके बाद उसको क्या थॉट्स आते हैं, व्हाट आर द एलिमेंट दैट कम्स टू हिट माइंड्स पोस्ट द परचेज ऑफ द प्रोडक्ट. तो ये तीन इंपॉर्टेंट फेजेस होते हैं. तो आपको बताना है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से विच ऑफ दीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्री परचेज फेज ऑफ बाइंग फ्रॉम द कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, वन इज इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, जहां पे वो अल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करता है. द सेकेंड ऑप्शन इज कॉग्निटिव डेजोनेंस. कॉग्निटिव डेजोनेंस होता है एक फीलिंग ऑफ डिसकम्फर्ट या बेसिकली अ फीलिंग ऑफ कन्फ्यूजन व्हेन यू हैव परचेज द प्रोडक्ट. इट इज बेसिकली अ पोस्ट परचेज फिनोमिना. द सी ऑप्शन इज नीड आइडेंटिफिकेशन. आप अपनी नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं. लेट्स से आपको लगता है दैट यू नीड टू ट्रैवल एंड दिस इज योर नीड, एंड टू हैव अ कम्फर्टेबल ट्रैवल यू नीड अ वेरी गुड लेट्स से कार या फिर बाइसाइकिल वॉट एवर इट बी और मोटर बाइक वॉट एवर इट बी. तो बेसिकली आप अपनी नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज इन्फॉर्मेशन सर्च, द फोर्थ ऑप्शन, जहाँ पे आप इंटरनल फैक्टर्स को कंसिडर करके, एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंसिडर करके, इंटरनल सर्च जो आपके खुद के एक्सपीरियंसिस के बेस पे है, कोई आपके फ्रेंड्स हैं रिलेटिव्स हैं उनसे पता करके, यू स्टार्ट सर्चिंग फॉर इन्फॉर्मेशन कि जो भी आपकी नीड्स हैं, जो भी आपके डिजायर्स हैं, उनको कैसे सेटिस्फाई किया जा सकता है, वॉट कुड बी द वेरियस सोर्सेज. ठीक है, तो ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं. आपको बताना है कि इसमें से प्री परचेज बिहेवियर फेज में कौन सा ऑप्शन नहीं आता है. ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि जो कॉग्निटिव डेजोनेंस का जो पार्ट है वो होता है वंस यू हैव परचेज द प्रोडक्ट. आपने कई बार अपने पेरेंट्स को देखा होगा, स्पेशली अगर मैं मदर्स के बारे में बात करूं, फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट माय मॉम, वंस शी हैज परचेज लेट्स से अ साड़ी, तो वो कंपेयर करती हैं, वो घर पर आ जाती हैं परचेज करके, उसके बाद वो कहती हैं कि यार एक दूसरी साड़ी हमने देखी थी वहाँ पे, लेट्स से अदर कलर की, वो ज़्यादा बेटर लग रही थी, आई थिंक ये लेके गलती करती हैं. सो वंस यू हैव परचेज्ड अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, उसके बाद जो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन बनी रहती है, एक डिसकम्फर्ट बना होता है और अ काइंड ऑफ एप्रेहेंशन कि क्या हमने सही डिसीजन लिया या फिर नहीं, दैट इज नोन एज कॉग्निटिव डिसोनेंस, एंड ये परचेज करने के बाद का प्रोसेस है. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी बी, दैट इज कॉग्निटिव डिसोनेंस. आई एम वेरी श्योर कि अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, अगर आपने कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो इसका जवाब आपने मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर दे दिया होगा. नहीं दिया है सो पुट इट राइट नाउ. ठीक है, second question, let's have a look at the second question now. A marketer should understand dash so as to take the right steps to provide the right motivation to the customers at each stage. Matlab jaise jaise hum ek aage ke process mein badhte jayenge, as we move forward, marketer ko kya samajhna chahiye, what he should be very clear about, what he should be understanding, taki wo sahi tarike ka motivation de paaye. Now please understand this question very carefully. We are talking about motivation here from a consumer's point of view, कि
कि कंज्यूमर को क्या मोटिवेशन वो देगा ताकि कंज्यूमर जो है उस प्रोडक्ट को परचेज करे या फिर कंज्यूम करे। ठीक है, तो ये आपको बताना है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऑल्सो। फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जो बताता है कि प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल किस तरह मूव करती है, व्हाट आर द वेरियस स्टेजेस इन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, कब वो ग्रो करता है, कब वो डिक्लाइन करता है, एंड अकॉर्डिंगली आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को डिवाइड करते हैं। बी इज न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल, मतलब जब आप कोई नया प्रोडक्ट बना रहे होते हैं तो क्या उसका पूरा सीक्वेंस होता है, क्या उसका पूरा स्टेज होता है, किस तरीके से हम एक नया प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। ठीक है, सी इज कंज्यूमर परचेज डिसीजन, व्हाट आर द वेरियस एस्पेक्ट्स जिसके बेसिस पे कंज्यूमर एक डिसीजन लेता है प्रोडक्ट को परचेज करने का, दैट इज द थर्ड ऑप्शन। एंड द फोर्थ वन इज प्रोडक्ट अडॉप्शन साइकिल। अब मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होंगे वो यहाँ पे सी ऑप्शन चूज करेंगे, बट सी इज नॉट द करेक्ट आंसर, सी हमारा बिल्कुल सही आंसर नहीं हो सकता, बिकॉज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक मार्केटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड दूसरी हम क्या बात कर रहे हैं कि राइट मोटिवेशन क्या होगा। कंज्यूमर परचेज डिसीजन इज अ वेरी जेनरिक टर्म जो बताता है कि कंज्यूमर परचेज करने से पहले क्या क्या फैक्टर्स को कंसिडरेशन में लेता है बिफोर टेकिंग हिज डिसीजन। बट प्रोडक्ट अडॉप्शन साइकिल क्या बताता है कि जो यूजर है और जो कंज्यूमर है इनफैक्ट, ठीक है, वो प्रोडक्ट को अडॉप्ट कैसे करता है, व्हाट आर द स्टेजेस इन द अडॉप्शन। अडॉप्शन मतलब होता है कंसम्पशन। लेट्स से आपने कोई प्रोडक्ट निकाला इनिशियली एंड इट इज अ वेरी बेसिक काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट, बहुत ही बेसिक वर्जन में है आपके। अब अगर आपको लगता है कि एक बार आपने किसी कंज्यूमर को लेट्स से कोई बेसिक फैसिलिटी दे दी, फॉर एग्जांपल अगर हम मोबाइल का एग्जांपल लें कि मोबाइल सबसे पहले जब आए थे तो इंसान सिर्फ दो चीज़ें उसमें एक्सपेक्ट कर रहा था, कॉलिंग एंड मैसेजिंग। जैसे जैसे एडवांसमेंट होती गई, जैसे जैसे कंज्यूमर्स की अडॉप्शन बढ़ती गई, अडॉप्शन का लेवल बढ़ता गया, पीपल स्टार्टेड डिमांडिंग अदर फीचर्स ऑल्सो, सच एज लेट्स से कैमरा, कि भाई अब हमें फ़ोन में कैमरा भी चाहिए अपार्ट फ्रॉम कॉलिंग एंड मैसेजिंग। सिमिलरली जैसे जैसे आगे बढ़ते गए और डिमांड्स उनकी आती गई कि भाई अब हमें और भी फैसिलिटीज चाहिए, और भी फीचर्स चाहिए फोन के अंदर। ठीक है, सो इट इज ओनली पॉसिबल, इट कैन ओनली बी एडेड और इट कैन बी ओनली बी मेट इफ द मार्केटर प्रॉपरली अंडरस्टैंड्स प्रोडक्ट अडॉप्शन साइकिल, कि अडॉप्शन के लिए क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं जिनको कवर करने की जरूरत है, तभी वो एक कस्टमर को सही मोटिवेशन दे पाएगा। ठीक है, सो डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। आई होप आपने यहाँ पे गलती नहीं करी होगी एंड डी विल बी द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। अ कस्टमर इज सेट टू बी डिलाइटेड, डिलाइटेड का मतलब होता है बिल्कुल खुश हो जाना, काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलना उसको विद द प्रोडक्ट व्हेन। तो एक कस्टमर सबसे ज़्यादा खुश कब होगा, कौन सी सिचुएशन में होगा, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। इज इट ऑप्शन ए परसीव्ड वैल्यू इज इक्वल टू रिसीव्ड वैल्यू। एक बार यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी ले लेते हैं। परसीव वैल्यू का क्या मतलब है, समथिंग दैट ही हैज परसीव्ड ऑफ। लेट्स से कि आप एक परसेप्शन बनाते हैं कि आपको एक्स वाई जेड बेनिफिट्स मिलेंगे व्हेन यू परचेज अ पर्टिकुलर कार। ठीक है, और आपको जो रिसीव होता है, लेट्स से आपने एक बार उस कार को परचेज कर लिया, द कार हैज गॉटन डिलीवर्ड टू यू, एक बार आपको उसकी डिलीवरी मिल गई, तो आपको उसकी रिसीव क्या मिली, क्या आपको बेनिफिट्स एक्चुअली रिसीव हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कई बार क्या होता है कि आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं, आपको उस टाइम पे तो फीचर्स अच्छे लगते हैं, बट एक बार आप उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने लगते हैं तो आपको लगता है नो, द मेंटेनेंस इज टू मच, द प्रोडक्ट इज नॉट परफॉर्मिंग वेल। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है कि जो आपने परसेप्शन बनाया था वो आपका ज़्यादा था, ठीक है, और आपको जो रिसीव हुआ है दैट इज बीइंग लेस। तो इस टाइम पे तो डेफिनेटली आप खुश नहीं होने वाले, यू आर गोइंग टू बी सैड। ठीक है, परसीव वैल्यू इज इक्वल टू रिसीव वैल्यू, अगर इक्वलाइज हो जाता है सो यू आर बेसिकली न्यूट्रल सिचुएशन, इन डिफरेंट सिचुएशन में। ठीक है, ऐसा तो सोचा ही था, ठीक है, ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस। आप डिलाइटेड कब होंगे, खुश कब होंगे, कि आपने परसीव्ड वैल्यू कम रखी थी, आपने कम सोचा था कि ठीक है यार जो माइलेज देगी कार वो है ना 18 का माइलेज देने वाली है, 18 किलोमीटर पर लीटर माइलेज होने वाला है इस कार का, ये आपका परसीव्ड वैल्यू था, ये आपने परसेप्शन बनाया था। बट जब आपने उसको कंज्यूम करना चालू किया तो आपने रियलाइज किया यार ये तो 21 किलोमीटर पर लीटर दे रहा है। सो नाउ यू आर गोना बी फीलिंग हैप्पी कि यार 3 किलोमीटर पर लीटर का मुझे फायदा हो गया, पर लीटर इस चीज़ का मुझे बेनिफिट मिल गया। ठीक है, सो इन दिस केस यू आर गोइंग टू बी डिलाइटेड, सो देयरफॉर द आंसर इज गोइंग टू बी बी, दैट इज व्हेन द परसीव वैल्यूज लो, आपने परसेप्शन कम बनाया था बट जो आपको रिसीव हुआ है दैट हैज बीन मोर और ग्रेटर। ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट ऑल्सो एंड आपने सही जवाब दे दिया होगा कॉमेंट सेक्शन के अंदर। लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन नाउ, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। डैश इज द इनर साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, कौन सा ऐसा एक इनर साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, दैट बिकम्स अ मेजर ट्रेट इन डिटरमाइनिंग द बाइंग बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। एक साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है
उस इंसान के अंदर जो हेल्प करेगा उसको डिसीजन लेने में, एंड दिस क्वेश्चन कुड बी वेरी वेरी कन्फ्यूजिंग ऑल्सो. तो इसलिए हम चारों टर्म्स को बहुत अच्छे से, थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है इनके बीच में, बट इनको अच्छे से समझेंगे ताकि आप गलती ना करें. ठीक है, सो लेट्स हैव अ लुक एट द ऑप्शन फर्स्ट. इज इट लर्निंग, इज इट मोटिवेशन, इज इट पर्सनैलिटी और इज इट परसेप्शन. ठीक है, देखिए लर्निंग आपको पता है कि आप नई नई चीज़ें अडॉप्ट करते हैं, यू स्टार्ट एक्वायरिंग न्यू नॉलेज. ठीक है, बेस्ड ऑन द एक्विजिशन कुछ चीज़ें आपके पास टेम्पररी हो रहती हैं और कुछ चीज़ें आप परमानेंटली अडॉप्ट कर लेते हैं. सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स दैट यू हैव परमानेंटली अडॉप्टेड, लेट्स से कि यू आर द वन काइंड ऑफ पर्सन जो सेलर्स के ऊपर आसानी से भरोसा कर लेता था. अगर वो कह देते थे कि सर प्रोडक्ट जो है वो ये फीचर्स मीट आउट कर जाएगा, यू यूज टू ट्रस्ट इट. बट बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस यू रियलाइज कि नहीं यार, लोग तो झूठ बोलते हैं अपना काम कराने के लिए. दिस इज वॉन्ट टू गेट द वर्क डन. सो नाउ यू हैव अडॉप्टेड इन योर बिहेवियर एंड यू डू नॉट ट्रस्ट पीपल ईजली, स्पेशली द सेलर्स. ठीक है, सो दिस इज योर लर्निंग. सो परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, नॉलेज एक्सेट्रा इज गोइंग टू बी लर्निंग. तो ये लर्निंग हो गया. तो ये तो आंसर नहीं होगा, लर्निंग के बारे में यहाँ पे बातचीत नहीं की जा रही है. मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन एक इनर फीलिंग रहती है दैट ड्राइव्स यू. फॉर एग्जांपल लेट्स से यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ESIC डिप्टी डायरेक्टर पोजीशन. अब आपको लगता है कि यार मुझे तो इस गवर्नमेंट जॉब में जाना है, आई वॉन्ट टू सर्व पीपल, आई वॉन्ट टू डू वेल फॉर माई कंट्री, एंड दिस इज वन पोजिशन विच आई फील कि मेरे इंटरेस्ट से, मेरे पैशन से मैच भी करता है. सो दिस इज योर ड्राइविंग फोर्स. मैं कह सकता हूँ ये एक ड्राइविंग फोर्स है जो आपको ड्राइव करती है दैट यू वर्क हार्ड पैशनेटली एंड गेट सिलेक्टेड इन दिस पोजिशन ऑफ ESIC डिप्टी डायरेक्टर. तो ये भी आंसर नहीं होगा. परसेप्शन क्या होता है? नाउ परसेप्शन इज समथिंग विच इज योर फीलिंग. आपने एक थॉट प्रोसेस बना रखा है, आपने चीजों को परसीव कर रखा है, हाउ यू अंडरस्टैंड थिंग्स. ठीक है, हम कहते हैं ना कि आपका परसेप्शन तो बहुत ही नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, एंड परसेप्शन कुड वेरी बेस्ड ऑन सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स. आपका परसेप्शन किसी इंसान को लेके, किसी वस्तु को लेके, किसी एलिमेंट को लेके, लेट से काफ़ी सारे लोगों का ये मानना है कि जो बड़ी शॉप्स होती हैं, अच्छी शॉप्स होती हैं, जो बड़े बड़े जो काफ़ी जिसके अंदर बहुत चमक दमक होती है, लेट से आर्चीज गैलरी के बारे में अगर बात करें तो वहाँ पे महंगा ही सामान मिलता है. आई एम नॉट सेइंग कि महंगा सामान नहीं मिलता है, बट इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू ऑल. ठीक है, और कई बार ये भी लोगों का परसेप्शन रहता है कि छोटी दुकान है, यहाँ पे सस्ता सामान मिल रहा है तो इन्फीरियर क्वालिटी का होगा, तो ये भी सही नहीं होता है. तो बेसिकली परसेप्शन इज काइंड ऑफ योर फीलिंग बेस्ड ऑन वट काइंड ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यू हैव यूज टू अंडरस्टैंड और हैव अ फीलिंग अबाउट अ पर्टिकुलर एलिमेंट और अ थिंग. ठीक है, तो परसेप्शन भी हमारे यहाँ पे आंसर नहीं होगा. यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए दैट शुड बी पर्सनैलिटी. दैट लुक्स अप टू बी द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन बेस्ड ऑन द फोर ऑप्शन विच आर गिविंग टू अस. ये एक साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है आपकी. ठीक है, पर्सनैलिटी जैसे हम कहते हैं ना कि उसकी जो पर्सनैलिटी वो काफ़ी काफ़ी एनर्जेटिक पर्सनैलिटी, काफ़ी एंथुजियास्टिक पर्सनैलिटी है, तो वो आपकी इनर कैरेक्टरिस्टिक है जिसके बेसिस पे आप डिसीजन लेते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि आप अपने कई फ्रेंड्स को आपने देखा होगा कि इसको देख के तो पहले पता चलता है कि यार ये तो रॉयल एनफील्ड ही लेगा. ठीक है, हाउ आर यू एबल टू अंडरस्टैंड इट? कैसे आप एक आइडिया लगा लेते हैं कि यार अगर इसको कल को बाइक लेने को कहा जाएगा तो ये कोई ऐसी वैसी बाइक नहीं लेगा, वो ये रॉयल एनफील्ड ही बाइक लेगा, बिकॉज इसकी पर्सनैलिटी उस तरीके की है. प्रॉब्ली थोड़ा सा मस्कुलर है, थोड़ा सा हाइट में भी अच्छा है, एंड ही इज हेल्दी ऑल्सो. सो प्रॉब्ली रॉयल एनफील्ड इज समथिंग दैट गोज वेल इन टर्म्स ऑफ हिज पर्सनैलिटी. ठीक है, सो पर्सनैलिटी वो इनर कैरेक्टरिस्टिक है, इनर साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है जो एक बिहेवियर को दर्शाता है किसी भी इंडिविजुअल या फिर कंज्यूमर के. तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. आई होप आपको चारों टर्म्स के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन. डैश रिफर्स टू प्रोवाइडिंग अ प्रोडक्ट ब्रांड विथ अ फ्रेश पोजिशन अकम्पनीड बाई न्यू एट्रीब्यूट्स एंड यूजर्स. मतलब ऑलरेडी एक प्रोडक्ट के ब्रांड में कुछ फीचर्स अवेलेबल थे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आई थिंक एप्पल कुड बी अ वंडरफुल एग्जाम्पल जो लगातार अपने प्रोडक्ट्स के अंदर नए नए वर्जन्स लाता रहता है विथ न्यू फीचर्स, विथ न्यू फैसिलिटीज इन ऑर्डर टू कैप्चर द कस्टमर्स नीड्स एंड वॉन्ट्स. ठीक है, सो वॉट इज समथिंग दैट प्रोवाइड्स अ प्रोडक्ट ब्रांड विथ फ्रेश पोजिशन अकम्पनीड विथ न्यू एट्रीब्यूट्स एंड यूजर्स. नए एट्रीब्यूट्स मतलब नए फीचर्स ऐड होते रहते हैं और उसके नए नए यूजेस भी ऐड होते रहते हैं. लेट से कि अगर आपको अभी तक जो फैसिलिटी थी वो सिर्फ कैमरा की थी तो अब आपको HD कैमरा की या फिर फ्रंट कैमरा की फैसिलिटी दे दी गई. ठीक है, तो उसका एक पर्पस भी चेंज हो गया, यूसेज भी चेंज हो गया और नया फीचर भी ऐड हो गया. ठीक है, सो वॉट इज दिस टर्म डैज? इज इट पोजिशनिंग, डी पोजिशनिंग, सेग्रीगेशन या फिर सेगमेंटेशन?
ठीक है। आई होप आपको सेगमेंटेशन का मतलब पता है, हमने पहले भी पढ़ा था कि आप अलग अलग बेसिस पे, ज्योग्राफी के बेसिस पे, साइकोलॉजी के बेसिस पे, यू कैन डिवाइड देम इनटू स्मॉल स्मॉल स्टार्टास, स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स में आप टारगेट ऑडियंस को यूजुअली डिवाइड करते हैं, सेगमेंट करते हैं, ताकि आप जिसको टारगेट करना चाहते हैं उसको ही टारगेट करें। लेट्स से आप फीमेल्स को टारगेट करना चाहते हैं तो आप उनको छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सेम इज सेग्रीगेशन, ठीक है, सेग्रीगेट करना, अनदर वे ऑफ सेइंग दैट इट इज अ काइंड ऑफ सेगमेंटेशन ओनली, ठीक है, सेग्रीगेट कर देना। पोजिशनिंग का क्या मतलब है, वॉट इज द पोजिशन ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रांड और अ प्रोडक्ट इन द माइंड ऑफ द कस्टमर। कस्टमर के पास आप जाते हैं, पूछते हैं, बताओ भाई मार्केट में इतने सारे मोबाइल फोन्स अवेलेबल हैं, आपका सबसे पहला ब्रांड अगर आप, मैं आपसे कहूँ कि सबसे अच्छी क्वालिटी या फीचर्स के टर्म्स में बताना हो तो सबसे ऊपर आप किसको रखेंगे। लेट से आप रखते हैं एप्पल को, ठीक है, उसके बाद सेकेंड नंबर पर आप रखते हैं सैमसंग को, ठीक है। देन इफ आई टॉक अबाउट यू, लेट से यू कीप इट नोकिया, नोकिया को रखते हैं आप, ठीक है। सो नाउ व्हाट यू आर डूइंग, यू आर गिविंग अ पोजीशन की टॉप पोजीशन एप्पल की है, देन सैमसंग की है, देन नोकिया की, दिस इज व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग, ठीक है। सो अब री पोजीशनिंग का क्या मतलब है, यहाँ पे री पोजीशन के बारे में बात हो रही है और यहाँ पे कीवर्ड बहुत ही आसानी से गिवन है, दैट इज फ्रेश पोजीशन, ठीक है। तो आपने नए एट्रीब्यूट्स लाए, नए यूसेज लेके आए, तो बेसिकली जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोजीशन थी वो शायद हो सकता है इंप्रूव हो जाए। फॉर एग्जाम्पल लेट से सैमसंग सेम फीचर्स अगर प्रोवाइड करने लगे जो एप्पल प्रोवाइड करता है, डेफिनेटली एप्पल हैज अ लॉट ऑफ फीचर्स, अगर सैमसंग कल को बहुत अच्छे फीचर्स प्रोवाइड करने लगे बट प्राइस जो हो वो एप्पल से कम हो, इफ द प्राइस इज लेस देन एप्पल विच इज डेफिनेटली देयर, बट फीचर्स मैच नहीं होते जनरली, बट अगर फीचर्स मैच हो जाए तो प्रॉब्ली जो उसकी पोजिशन है दैट माइट चेंज, ठीक है। सो दैट इज वॉट री पोजिशनिंग इज ऑल अबाउट, दोबारा उसको पोजिशन करना इन टू द माइंड ऑफ द कस्टमर्स। So, repositioning is going to be the most suitable and the correct answer for this question, which is also the last question. I hope आपको ये session पसंद आया हो, जितने भी यहाँ पे terms और concepts हमने discuss किए हैं ये आपको clear हो गए हों। If still there is some doubt, you can ask me in the Telegram group, you can ask me in the comment section of this video also. Till then, keep preparing, keep working hard and always remember that we will be having these sessions on marketing on every Saturday at 2 p.m. तो आप मुझे 2 p.m. पे ज्वाइन कर सकते हैं एंड यू कैन वॉच दीज सेशंस फॉर योर बेटर प्रिपरेशन। दैट वॉज ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।